ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, एंड वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो आज जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट लेक्चर नंबर 7 देख लें ताकि जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं आप लोगों को यहाँ मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट को टीच करता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको स्टेट बोर्ड के साथ साथ CBSE के भी बच्चों को पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ एंट्रेंस की भी आपको तैयारी कराता हूँ, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टॉपिक डिस्कस किए थे, दो थ्योरी पार्ट डिस्कस किए थे। पहला पार्ट था हमारा डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा पार्ट था हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। आई होप कि आप सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा, सीरियसली सॉल्व किया होगा जो भी आपने। अच्छा हाँ, दूसरी बात, जब आप लोग ये वीडियो जो देखते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप मोबाइल ले लिया और हाथ में अपने रख के उसको सिर्फ देख रहे हो, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको साथ में क्या करना है, एक बुक और एक पेन रखना है। जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। कोई ये पिक्चर नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ के हाथ में मोबाइल ले लिया और देखते रहे, ठीक है ना, उससे कुछ नहीं होगा। आपको इन चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके तो दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। आज के क्लास पे हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला होता क्या है या सेंट्रॉइड क्या होता है पहले वो समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है ना, जो ए के कोऑर्डिनेट है। आई होप कि आप अब ये सारे वर्ड से फैमिलियर हो, कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है। और सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ए से क्या किया, एक मीडियन तैयार किया। ए डी क्या है, मीडियन। बी ई, बी ई भी क्या है, मीडियन। और सी ई, ये भी क्या है, मीडियन। तो ट्रायंगल के तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ओके तो सेंट्रॉइड कब तैयार होता है, जब ट्रायंगल के तीन मीडियन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 / 3, x1 + x2 + x3 / 3, और y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 / 3, ये होता है सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझा होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है या ज़्यादा कुछ सोचने वाली भी नहीं है। सेंट्रॉइड, ट्रायंगल के तीनों मीडियन जब इंटरसेक्ट करते उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, ओके ठीक है ना, क्लियर है इतना। ओके आगे बढ़ते एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है ना। ए बी सी ये क्या होगा, वर्टेक्स होगा एक ट्रायंगल के। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है ना, 1/2। अब ध्यान से देखना, y1, ठीक है ना, y1, तो यहाँ क्या लिखोगे, x2 - x3, ठीक है, ध्यान से देख ला, 1 2 3, y1 x2 x3, ऐसा y1 x2 - x3 प्लस, यहाँ y1 है तो अब अगली बार क्या आएगा, y2, तो साइक्लिक ऑर्डर में आना है, 1 2 3, तो फिर यहाँ 2 है तो क्या आएगा, x3 - x1 आएगा प्लस, फिर y3 पे जाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 2, तो x1 - x2। ओके तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके ठीक है, तो बस आपके जो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक है या जो पार्ट है उसमें बस आपको इतना ही है, एडिशन फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक सेंट्रोइड फॉर्मूला और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल है। जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना 11th और 12th में, वो काफ़ी वास्ट होने वाला है, उसमें तो और भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पता है ना क्या कर रहे हैं, हम ये फाउंडेशन चला रहे हैं। फाउंडेशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आपने 8th, 9th, 10th में पढ़ा उसको बस एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको बता दूँ फिर से एक बार कि अभी हमारे पास 2 टॉपिक बचे हुए हैं, इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे ही 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग डायरेक्ट 11th के सिलेबस पे जंप करने वाले, ठीक है ना। ओके, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोगों ने सेंट्रोइड का फॉर्मूला देख लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया, चलो उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करना है इफ टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर एट -3.1 एंड 0.-2 एंड द सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन, ठीक है, एंड द सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन। तो मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि एक ट्रायंगल है आपके पास, ये जो ट्रायंगल है ABC, तो मान लो A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3.1 और B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 0.-2। तो ये जो थर्ड वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x, y ले लेते हैं। ये जो थर्ड वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने क्या लिया, x, y लिया। अच्छा, ये जो सेंट्रॉइड है ये कहाँ पर है, ओरिजिन पे है। सेंट्रॉइड कहाँ पर है, ओरिजिन पे, मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0.0। समझा इतना, एक ट्रायंगल जिसके 2 वर्टेक्स आपको दिया है, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0.0 आएंगे। फिर तो बहुत सिंपल हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, x1+x2+x3/3 और y1+y2+y3/3, ठीक है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। तो ये x1+x2+x3, तो -3+0+x/3 और y1 कितना, 1+(-2)+(-2)y/3। सो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x-3/3, ठीक है, ये -3 है ना। और ये कितना आ रहा है, देखो 1+(-2), तो -1 हो जाएगा, तो y-1/3। ये क्या मिल गया अपने को, जी के कोऑर्डिनेट। बट जी के कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है, जी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0.0। जी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0.0, मतलब ये जो इसकी वैल्यू ये क्या होगी, 0 होगी और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x-3/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। x-3/3 की वैल्यू 0 और y-1/3 की वैल्यू भी कितने, 0। 3 को शिफ्ट किया तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो x=2 कितना आ गया, 3। उसी तरीके से ये भी 3 को शिफ्ट किया तो y-1=0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इसका मतलब जो आपका C वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3.1। तो C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको कितने मिल गए, 3.1, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि आपने इसको पहले कभी ना कभी सॉल्व किया होगा आपके प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आप लोग इसको समझ पाते हो कि नहीं। वैसे तो काफ़ी सिंपल है, जिन बच्चों ने अपना 10th क्लास काफ़ी सीरियसली सॉल्व किया है उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि आपको रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है। आर द पॉइंट्स, क्या ये पॉइंट्स -2.2, 8.-2 एंड -4.3 आर द वर्टेसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अपने को ये पूछा गया कि क्या ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेसेस है क्या, तो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेसेस है क्या, कैसे पता करेंगे। अगर हम लोग ये बोल पाए कि हाँ ये जो वर्टाइसेस है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, क्या यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है।
पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या कि किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम, किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर में आना चाहिए। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो चलो देखते तो क्या करें। तो सबसे पहले मान लो पहले वाले पॉइंट को ए दिखा दिया -2,2, सेकेंड पॉइंट को हमने 8,-2 दिखा दिया, और थर्ड पॉइंट को हमने सी से दिखा दिया -4,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने सब कल का क्लास देखा होगा सब ने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आपको पता ही होगा। ए बी तो हम लोग क्या करेंगे, ये x1 y1 x2 y2, तो 8 में से माइनस माइनस ऑफ 2 तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 116, यानी ए बी स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ए बी स्क्वायर आ गया 116। ओके, एक साइड ये होगी ए बी, फिर बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इस पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो -4 - 8 होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 3 - -2 3 + 2 होता है होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -4 - 8 - 12 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 3 + 2 = 5 का स्क्वायर 25, तो बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169। ये सब अपना बराबर है ना, ए बी 8 - -2 8 + 2 का होल स्क्वायर और 2, हाँ ठीक है ये तो बराबर है। ओके, तो बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर हो जाएगा 169, बी सी स्क्वायर हो जाएगा 169। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालते, ए सी ए सी पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, तो ए सी -4, देखो अब ठीक से करना, -4 में से माइनस करेंगे -2, तो ये +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा प्लस, फिर 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -4 + 2 - 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया 5, ए सी स्क्वायर हो गया 5। तो हमने क्या किया ना, तीनों साइड के स्क्वायरिंग निकाल दिए, तीनों साइड की स्क्वायरिंग की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बस अपने को ये देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि दोनों साइड के स्क्वायर की सम तीसरे के बराबर में आ रही है, दो साइड के स्क्वायर की सम तीसरे के बराबर में आ रही है क्या, कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या अपने, देखो 4 - 4 - 2 - 2 - 2 - 8 - 2 - 4 - 3, तो ए सी निकालना है, तो -4 - -2 +2 हो जाएगा, और ये 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 5। ठीक है, इसको भी देख लेते एक बार, बी सी चेक कर लेते, सिर्फ -4 - 8 - 4 - 8 का होल स्क्वायर, 3 - 2 सब तो सही है, ठीक है ना, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। देखो आप कोई भी दो स्क्वायर का, देखो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर में तो नहीं है, इन दोनों का सम भी तीसरे के बराबर में नहीं है, और इन दोनों का सम भी तीसरे के बराबर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी भी, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, हेंस इट इज नॉट, ए बी सी आर नॉट वर्टाइसेस, आर नॉट वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस
नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस होने के लिए उनको पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करना चाहिए था। पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करना मतलब किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के तो बराबर में आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस नहीं है। ओके ठीक है, ओके अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। क्या बोला यहाँ पे, इफ़ दी पॉइंट्स 2,1 and 1,-2, दो पॉइंट दिए 2,1 and 1,-2 आर इक्वी डिस्टेंस्ड फ्रॉम दी पॉइंट x,y, तो आपको ये शो करना है कि x+3y = 0 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, या पॉइंट ए है 2,1 और एक पॉइंट है बी 1,-2, ठीक है। तो मान लो ये कोई पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है x,y, तो वो क्या कहना चाहते हैं, इफ़ दी पॉइंट्स 2,1 and 1,-2 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट x,y, मतलब ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट सी से और ये पॉइंट बी पॉइंट सी से, ये दोनों डिस्टेंस कैसे सेम है, मतलब वो बोलना चाहते हैं कि ए सी ये किसके बराबर में होगा, बी सी के बराबर में होगा। तो ए सी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो अगेन x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी 2 - x2 हो जाएगा, टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी। क्या होगा, बी सी 1 - x होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है उसको हटा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटा, तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से भी स्क्वायर रूट हटा तो ये कितना आएगा, 1 - x होल स्क्वायर प्लस। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, आप इसको समझ पाते हो क्या, देखो माइनस माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, मैं इसको साइड में करके दिखा रहा हूँ, -2 - y होल स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन निकला तो क्या बचा, 2+y, ये होल स्क्वायर में जाएगा ऐसा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो फाइनली 2+y होल स्क्वायर। तो क्या मैं इस -2 - y होल स्क्वायर को 2+y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप देखो -3 - 1 - 3 होल स्क्वायर करो और 1+3 होल स्क्वायर करो, आपका आंसर देखो सेम ही आएगा,
समझा, माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर करो और वन प्लस थ्री का होल स्क्वायर करो, आंसर क्या सेम आने वाला है। तो क्या मैं इस माइनस टू माइनस वाई होल स्क्वायर को टू प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख लूं? किसे कोई प्रॉब्लम इससे? ठीक है, अच्छा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक वाइक करो, ठीक है, और कोई भी आपका डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, या आपके पास जो रिस्पेक्टिव टीचर्स आए थे उनको आप बता सकते हो कि हमको ये डाउट्स हैं, तो वो मेरा नंबर आप लोगों को दे देंगे, ठीक है, मेरा नंबर आपको देंगे, आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, और बस लाइक करो, यही बोलना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर कुछ चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक तो करना चाहिए, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते, आगे बढ़ना है तो बहुत आसान है आगे बढ़ना, इसको ओपन कर लेते, ठीक है, ओपन करना मतलब एक्सपांड करना, ये हमारे मैथमेटिक्स में हम ऐसे लैंग्वेज का यूज़ करते, ओपन करो, ओपन करो मतलब, ठीक है ना, ओपन नहीं है, एक्सपांड करो, स्क्वेयरिंग करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे तो हो नहीं कि ये ओपन करते नहीं आता है आपको, ठीक है, प्लस इसको भी ओपन करते एक्सपांड करते, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको भी ओपन करते तो ये कितना आएगा, ओपन करने के बाद कितना आएगा, 1 माइनस 2x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस y स्क्वायर, ये y स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूँ, प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब ओके, ये प्लस वाई स्क्वायर इधर लिख दिया, चलो देखते कुछ कैंसिल वैंसल हो रहा है कि, देखो एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, वाई स्क्वायर भी हो गया कैंसिल, उसके बाद ये प्लस वन और इधर से भी प्लस वन, ये भी कैंसिल हो गया, उसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 4 और ये 4 भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कैंसिल वैंसल करना, बहुत मजा आती है हमको ये कैंसिल वैंसल करने में, ठीक है ना। चलो देखते क्या बचा, क्या बचा, माइनस 4x बच गया, और क्या बचा, माइनस 2y, हाँ इधर से क्या बचा, माइनस 2x, और ये क्या बचा, प्लस 4y, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, उसकी शिफ्टिंग वगैरह जो हम लोग करते हैं वो करते आनी चाहिए ना आप लोगों को, जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, माइनस 4x को इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, जब माइनस 4x उठ के इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 4x बनेगा, माइनस 4x उठ के इधर आया तो प्लस 4x बन गया, तो ये प्लस 4x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये माइनस 2x, समझा क्या, माइनस 2x और ये माइनस 4x इधर उठ के आया प्लस 4x, अच्छा प्लस 4y और ये माइनस 2y उठ के इधर आ गया तो प्लस 2y, तो इसी को क्या बच गया, जीरो, इसी को क्या बचा, जीरो। देखो आपको ना बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मतलब कैसे कैसे लोगों से हम लोगों को ना पाला पड़ता है। देखो क्या होता है ना, अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y लिखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y, ठीक है ना, ये हो चुका है मेरे साथ, मेरे मतलब ऐसे खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट हम लोगों को मिलता है कि देखो क्या थिंकिंग होती है, 3y को उधर शिफ्ट किया, ठीक है ना, 3y को उधर शिफ्ट किया तो कितना होता है, 5y माइनस 3y, 2x को उधर शिफ्ट किया तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, ये कितना बच रहा है यहाँ पे, ठीक है चलो यही पे। अब बात क्या होती है ना, वो बच्चे सोचते हैं कि सर आपने इसको उस साइड शिफ्ट किया ना, आपने उस साइड शिफ्ट किया तो उधर जीरो कैसे आया, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको उठा के जब उधर शिफ्ट किया तो सर इधर जीरो क्यों नहीं, उधर जीरो कैसे आ गया, अरे एक ही तो बात है ना, आप एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लिखो या जीरो इज इक्वल्स टू एक्स लिखो, बात तो एक है, चाहे इक्वल्स टू इधर जीरो लिखो या इक्वल्स टू उस साइड जीरो लिखो, एक ही तो मतलब है। बस आप लोग ऐसे गलतियां मत करना जब आप लोग आओगे हमारे पास फिजिकली मिलने के लिए हम लोगों को, 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 4y प्लस 2y कितना हो गया, 6y हो गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0, तो मेरे ख्याल से 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 से डिवाइड, 2 से अगर डिवाइड किए तो ये कितना दे रहा है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, और यही आपको क्या करना था, शो करना था, एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, मतलब एक बार मैंने ये बता दिया कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, उसके बाद तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ही करना है, हाँ गलतियाँ उसमें भी करते हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आता कि क्या बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ते थे तब भी क्लियर नहीं होता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो बस
यही मुझे क्वेश्चन में यही बताना था कि जो लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन की, उस हिसाब से एसी और बीसी कैसे रहेंगे, इक्वल होंगे, बाकी तो फिर कैलकुलेशन पार्ट है। ओके ठीक है, ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर दें, उसके बाद हम फिर इस टॉपिक को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या फाउंडेशन कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों को ये नहीं देखना है कि कितने न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मेरा एम बिल्कुल ये नहीं है। हाँ, मैं आपको 11th में गारंटीड इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा होगा कि आप थक जाओगे, ठीक है, बट 10th के लिए मैं, ठीक है, ओके 11th में हम गारंटीड बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, काफ़ी शीट सॉल्व करते हैं जिसमें 50-50, 100-100 न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, तभी जाके आपका जो एंट्रेंस होता है या आपका स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, सीबीएसई की एग्ज़ाम होती है, स्ट्रांग बनती है, ठीक है ना। मतलब क्या, जिस एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर होना है, जैसे 11th 12th के, तो हम 11th 12th के नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा फाउंडेशन है, ये तो हम सिर्फ एक बार रिकॉल कर रहे कि क्या क्या हमने पढ़ा है, क्योंकि 10th कंप्लीट हुए, एक साल के आसपास हो गया, एक साल के आसपास मतलब सर पिछले 2 महीने में तो एग्ज़ाम दी, नहीं एक साल हो गया ना पढ़ते हुए, ठीक है, आपको तो 10 दिन पहले का याद नहीं होगा, तो एक साल पढ़ा हुआ याद क्या होगा, ठीक है, तो बस हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी बच्चे बहुत होशियार भी होते हैं जिसको सारी चीज़ें अच्छे से याद होती है, ठीक है, फिर भी वो एज अ इसको रिकॉल क्लास ले ले, ठीक है ना, कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। भले अगर आपको शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं आ रहा होगा कि सर ये तो पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताऊँ क्या, मेरे क्लास में तकरीबन हर साल 40-45 बच्चे होते हैं, बट उसमें से 20-25 ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ये बेसिक स्ट्रांग नहीं होता है, मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे ये सारे बेसिक पढ़ाना पड़ता ही है, ठीक है, ताकि मुझे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि 11th में यार मैंने उस बेसिक नहीं पढ़ा दिया, तो क्या ये बच्चों को आता है कि नहीं आता है। भले ही आप लोगों ने 8, 9, 10 पढ़ के आया होता, बट फिर भी मैं अपने मन की शांति के लिए कि एक बार बेसिक बता दूं, ठीक है, तो फिर 11th में जा सकते हैं। या आप में से बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 10th में ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाते, सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करके हमारे नए चैप्टर पर आएंगे अगले क्लासेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्योंकि सेम क्वेश्चन 11th में भी है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन 11th में भी है, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने पिकअप किया आपके 10th के सिलेबस से। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -4, 3 एंड 6, 3 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -4, 3 एंड 6, 3। मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि जैसे मान लो दो पॉइंट है, ये पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है -4, 3 और एक पॉइंट है B इसके कोऑर्डिनेट है 6, 3, इसको क्या कर रहा है, पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब कैसे कर रहा है वो नहीं पता, इंटरनली कर रहा है एक्सटर्नली कर रहा है वो बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो अपने को चलो ऐसा अज्यूम करके चलते कि वो जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2, y कौन से रेशो में, k:1 के रेशो में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें रेशो फाइंड आउट करना है, अज्यूम करके चलो कि उस पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया है और कौन से रेशो में, k:1 के रेशो में, हमेशा क्या करना है, k:1 का रेशो लेना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और मान लो आपको k की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, सुनो बात ध्यान से, k की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर k की वैल्यू आ गई निगेटिव, k की वैल्यू आ गई अगर निगेटिव, तो जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अभी तो हम ये अज्यूम करके चाह रहे हैं कि पॉइंट c इंटरनली डिवाइड कर रहा है कौन से रेशो में, k:1 के रेशो, ठीक है, इतना अज्यूम करके चलना है। तो यहाँ हम लोग लगाते हैं इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, क्या करते हैं, इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, तो काफ़ी सारे बच्चों को पता ही होगा इंटरनल डिवीज़न फार्मूला, ठीक है ना, हम लोग क्रॉस में जाते हैं ना, याद है, लिख लो आपके लिए पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, m(x2+nx1)/m+n और फिर m(y2+ny1)/m+n, ठीक है, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये रेशो हो गया आपका m:n का रेशो। तो बस इस पर अगर मैं पुट अप करता हूँ तो क्या आएगा, m मतलब k,
एक्स टू मतलब 6, तो ये कितना आएगा, k इंटू 6 आ गया, प्लस n मतलब 1 और x1 मतलब -4 आ गया, अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1 आ गया। ठीक है, टाइम है, रुको रुको 2 मिनट। ओके, फिर उसके बाद एम वाई टू, एम मतलब कितना है k, वाई टू मतलब कितना है 3, प्लस n, n मतलब कितना है 1 इंटू वाई वन मतलब कितना है 3, अपॉन अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर से कितना आएगा, देखो 6k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और ये 3k प्लस 3, ये 1 इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, c के कोऑर्डिनेट आ गए, बट c के कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है क्या है, 2, y। c के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, मतलब ये जो लिखा है 6k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, ये किसके इक्वल में होगा, 2 के इक्वल में होगा, किसके इक्वल में, 2 के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में कुछ मतलब 1 है, 1 जाएगा उससे मल्टीप्लाइड होके सी के माइनस 4, 6 के माइनस 4, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 2k प्लस 2। ठीक है ना, 2k प्लस 2, मैं ये 2k को इधर शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4k, और माइनस 4 को इधर शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 को शिफ्ट करने पे 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। आई होप कि आप इतना तो मैथमेटिक्स जानते होंगे ना कि 3/2 वगैरह कैसा आया करके। ओके, चलो k की वैल्यू आ गई 3/2, और k, अच्छा रेशो क्या लिया था हम लोगों ने, रेशो क्या लिया था, k इज टू 1 का रेशो लिया था, देखो k इज टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2:1, मतलब क्या रेशो कितना होगा, 3:2, 3/2:1 का मतलब 3:2, तो ये जो रेशो है इसका आंसर कितना आएगा, 3:2। अच्छा k कैसा आया, k पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, k पॉजिटिव आया, देखो ना पॉजिटिव नंबर मिला 3/2, इसका मतलब जो पॉइंट हमने अज्यूम किया था इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये अपना अजम्पशन सही है बिल्कुल। ठीक है ना, देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी रेशो फाइंड आउट करना है k इज टू 1 ले लो और इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये अज्यूम करो, k की वैल्यू आपको बताएगी कि पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, तो हमने रेशो क्या लिया था, k इज टू 1 का रेशो लिया था, तो 3/2:1, यानी रेशो कितना आ गया, 3:2 रेशो आ गया। और अपने क्या बोला गया, y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो y की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये देखो ये इसके इक्वल में था तो ये इसके इक्वल में होगा, सो 3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, y, अच्छा 3k की वैल्यू अपने को पता चल गई थी, k की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई। बस ये मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए ना, इतना तो करते आना चाहिए, अभी आप 11-12 में चले जाओगे। ठीक है, तो देखो कितना हो गया ये, 9/2 प्लस 3, इसको मिटा दे रहा हूँ, 9/3 प्लस 3 अपॉन 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिवाइड में कुछ ना 1 है, 1 × 9 प्लस 2 × 3 6 अपॉन 2 × 1 2 होल डिवाइडेड बाय, ये 1 के डिवाइड में किसने 1 है, 1 × 3 3 प्लस 2 × 1 2 अपॉन 2 × 1 2 इज इक्वल्स टू 6 वाई, 2 और 2 कैंसल, 9 + 6 = 15 अपॉन 3 + 2 = 5 इज इक्वल्स टू वाई, तो कितने आई, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ था लेकिन 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब 11 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हम लोग 11th में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को अगर टफ लगा है, थोड़ा सा टफ लगा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से उसको समझो। ठीक है ना, कि क्या पार्ट नहीं समझो, ऑनलाइन क्लासेस का ये एक फ़ायदा होता है, समझा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो या रिवाइंड करके फिर से एक बार
देख सकते हो। ओके, तो यहाँ हम लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए बेसिक टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा समझ रहा है, तो आप कमेंट करो कि हाँ हमको समझ में आ रहा है सर, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगे, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है ऐसे बोलो, क्या डाउट जा रहे वो भी बताओ। अगर आपको मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट करना है तो जो भी काउंसलर आपके पास आए थे आप उनसे मेरा नंबर लो और आप मुझे कॉल कर सकते हो कि सर मैं आपके नई बैच के स्टूडेंट बोल रहा हूँ, सो एंड सो जो भी आपका नाम होगा, और आपको क्या डाउट्स आ रहे वो डाउट्स आप बता सकते हो। या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर आप अपने रिस्पेक्टिव काउंसलर से ले लो, ठीक है, आप मुझे वो मैसेज भी कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है ना। घर में बैठे बैठे वो भी बोर हो रहे होंगे, लॉकडाउन है, बाहर तो निकल नहीं सकते, तो शेयर करो ताकि उनका भी बेसिक जो है, क्योंकि वो लोग भी तो 11th में जाएंगे, ठीक है ना, आपके है ना, आपको इतनी गारंटी तो, आपके फ्रेंड्स भी 11th में जाए तो वो जाएगा, तो उनको भी बेसिक की ज़रूरत गिरेगी, तो ये उनके लिए एक क्या, एक बेस तैयार हो जाएगा, बॉटम तैयार हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस करो। उससे क्या होगा, जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आपको क्या, उसके नोटिफिकेशन आएंगे। डेली मॉर्निंग में आपको तो हमारे काउंसलर थ्रू मैसेज आ ही रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप वैसा करते हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है। ओके।